हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ब्लॉग। तो अभी ये गुड मॉर्निंग, अभी मैंने जो पहला वाला ब्लॉग है उसको क्लोज़ किया और एंड नहीं लिया था कल, तो आज मैं और एक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे से मेरी ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं डिटेल में नहीं शेयर कर रही हूँ कुछ भी, एकदम शॉर्टकट में। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत काम ख़त्म करके यहाँ पर बैठ के अपना गिलोय का जो जूस है वो पी रही हूँ। ये डेली का हम लोग पीते हैं आफ्टर ब्रश, तो मैं पूजा वगैरह करके फिर पी लेती हूँ। और अभी दिन का शुरुआत करते हैं और जैसे जैसे मैं जो जो करते जा रही हूँ, जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना शूट करते जा रही हूँ। कल एक्चुअली क्या हुआ कि इवनिंग का टाइम बहुत बिजी था मेरे लिए और उसके बाद मैं एक्सरसाइज मतलब जिम चली गई थी, आने के बाद बहुत टायर्ड हो गई थी तो एंड लेना भूल गई वीडियो का। कोई ना, आज ले लेते हैं। तो आज का जो मैंने एंड है वो ले लिया है, अभी ये सेकेंड ब्लॉग चालू है, मिनी ब्लॉग। तो चलिए फिर जैसे जैसे जो जो करते जाती हूँ आपके साथ शेयर करते जाऊँगी। अभी यहाँ पे पापा का जो छेना मतलब खाते हैं वो मैंने निकाल के रख दिया है, यहाँ पे सब्जी चढ़ा दिया है उनका और यहाँ पे बन रहा है कियान का डोसा बैटर, ये रहा ये, और अभी चढ़ेगा डोसा। गाइज, कियान को खाना खिलाने के बाद यहाँ पे हमने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी पियेंगे चाय। साइड में मैंने पापा के लिए मिक्स वेज जो है वो बना दिया है तो उनको भी अभी सर्व कर देंगे। तो चलिए फिर, अभी कियान का एक अपॉइंटमेंट है तो उसको लेकर वहीं पे जा रहे हैं। हे गाइज, सुबह जैसे कि मैंने दिखाया ब्रेकफास्ट वगैरह करके, फिर मैं कियान को लेकर उसका एक अपॉइंटमेंट था वहाँ पे गई थी। वहाँ से आने के बाद बहुत ही लेट हो गया है, अभी ऑलरेडी 2:30 हो गया। हम लोग फिर लंच किए, लंच के बाद बेटा पढ़ाई में व्यस्त और मम्मी अभी थोड़ा सा रेस्ट करेगी। जैसे भी शाम को जो जो करते हैं फिर आपके साथ वो अपडेट करती हूँ, होपफुली यू विल लाइक इट। चल रहा है यहाँ पे एडिटिंग, जो फर्स्ट वाला मिनी ब्लॉग मैं डालने वाली हूँ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई होप आप सब लोगों को भी ये मिनी ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे। अगर अच्छा लगा तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना यार, आई विल मेक मैनी। एक्चुअली मुझे ये मोटिवेट करता है डेली ब्लॉग करने के लिए, मेरे बिजी लाइफ में से थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आई थिंक बहुत ही जल्दी, आई थिंक हाफ एन आवर में मैं इसको अपलोड कर दूंगी वंस एक्सपोर्ट हो जाए। तो आज इवनिंग के टाइम पापा का मन किया गाजर का हलवा, तो वही यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट को थोड़ा कट करके फ्राई कर दिया घी में और साइड में घी थोड़ा डाल के गाजर को भी फ्राई कर रही हूँ। गाजर का हलवा जो है यहाँ पे एकदम रेडी है, पापा खाएंगे इवनिंग में, हम लोग खाएंगे डिनर में। देखो बहुत ही मस्त बनाए, और क्योंकि मेरे पास एक सेकेंड, क्योंकि आज मेरे पास खोया नहीं था इसलिए मैंने मिल्क में डाला। अगर आपके पास खोया हो तो खोया ही डालना, वैसे मिल्क में मिठाई मेड जो अमूल का आता है ना वो भी सेम ही काम करता है। हाँ, ये मैं खा रही हूँ बनाना, रुको मैं जा रही हूँ जिम अभी, तो सोचा कि थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूँ। आज का दिन बहुत ही बिजी रहा, उसी में से भी मैंने अपना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपके लिए ब्लॉग बनाया, आई होप यू विल लाइक इट। आज भी एक ब्लॉग मैंने अपलोड किया, तो मिनी ब्लॉग फर्स्ट वाला, अगर उस पर आपने ढेर सारा लाइक किया देन आई विल कंटिन्यू अपलोडिंग एटलीस्ट यू नो ऑल्टरनेट डेज या तो डेली। मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है यार, अगर बहुत अच्छा लगा बहुत ही मोटिवेट हुई तो फिर डेली, नहीं तो थोड़ा बहुत हुआ तो फिर ऑल्टरनेट डेज, अगर बहुत ही कम हुआ फिर देन आई हैव टू से। चलो फिर चलती हूँ मैं जिम, आने के बाद आपसे बात करती हूँ। हालत है टाइट क्योंकि अभी मैं जिम से आई हूँ, तो तो पता नहीं ये वाला ब्लॉग कितना लंबा हुआ है। आज डिनर बनाते टाइम आई एंड दिस ब्लॉग, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में फ्रेश होने के बाद।
सो सॉरी गाइस, कल भी मैं बहुत ही थक गई थी इसलिए वीडियो का एंड नहीं ले पाई, और कियान की तबीयत भी खराब हो गया था जो अभी नेक्स्ट में डिटेल में आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे मिश्री का पानी है, थोड़ा सा खांसी हो रही थी तो वही बना के सुबह सुबह पी रहे हैं। हे गाइस, कल का जो ब्लॉग है उसको मैं फिर से एंड लेना एज यूजल भूल गई, बिकॉज कल से कियान की तबीयत जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। पता नहीं, कॉफ तो हो रहा था थोड़ा बहुत, बट कल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा था। तो रात को ही हम दोनों ही थोड़ा सा टेंशन में आ गए, उसको मेडिसिंस वगैरह दिए। सो सुबह भी थोड़ा सा उसकी तबीयत जो है वो डाउन है, इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं छोड़ा। तो ये वाला जो ब्लॉग है कल से कंटिन्यू, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं और दूसरे वाले ब्लॉग में स्टार्ट करूँगी, सो दैट आपके लिए भी थोड़ा सा देखने में ईजी हो और अच्छा भी लगे। आई होप आपको मेरा जो फर्स्ट वाला ब्लॉग ही अच्छे लगे। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मतलब हेल्दी रहिए, बिकॉज जो सीज़न चेंज हो रहा है ना, इसमें बच्चे क्या बड़ों का भी तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है। सो बाय बाय।